मांग रहे अपने पिताजी का पिंडदान करने उनको जाना है, कहते वापस आके दे दूंगा। पत्नी ने कहा तो आपको इसमें मेरे पूछने की आवश्यकता क्या थी? वो सिर्फ जोवन नहीं, अगर जिंदगी भी मांग ले तो भी कम है। अरे ब्राह्मण के कार्य के लिए, उनके पिताजी के पिंडदान के लिए तुम्हारा जीवन भी सौंप दिया जाए तो भी ज्यादा नहीं, कम ही है, जाके दे दो। और फिर आप मेरे लिए बूढ़े भी हो गए तो क्या, मेरे तो पति रहेंगे ना, मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगी। कर्ण की आंखों में आंसू आ गया, मेरा भी धन्य भाग्य है जो मुझे पत्नी ऐसी मिली जो धर्म में बढ़ावा देती है, धर्म में सपोर्ट करती है। तुम धर्म करो ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा पार्टनर अगर धर्म में सपोर्ट करे तो ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी पार्टनर बैठे ना, जरा ख्याल करी थोड़े अपने अपने पार्टनर का बढ़ावा दो, और जिनके पार्टनर नहीं भी मानते ना उन्हें बताओ कि धर्म करने से ये होता है, उन्हें सिखाओ, उन्हें समझाओ, जरूरी है, बहुत जरूरी। ब्राह्मण देवता को आकर कहा कर्ण ने, लो महाराज मैंने भी कहा था ना, मेरी पत्नी भी कह दिया, मेरा जोवन आप ले लो। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, न तेरी जवानी की जरूरत है न तेरे स्वर्ण की, मैं तो देखने आया था कि आखिर दान देने वाले किस चीज के लिए मना कर सकते हैं और किस चीज के लिए मना नहीं कर सकते। जो किसी भी चीज के लिए मना ना करे, जो किसी वस्तु के लिए, इवन अपने प्राणों तक के लिए जो मना ना करे, वही सच्चा धर्मात्मा है और वही सच्चा दानी है। ऐसे दानियों के आगे कृष्ण कहते मैं नतमस्तक हो जाता हूँ, नतमस्तक। बहुत से लोगों को कहो पाजी तुसी ये कर दो, बोल जी तुसी वेट करो हुण असी पूछांगे अपने फैमिली तो, आफ्टर दैट आई टेल यू समथिंग। अच्छा काम करने के लिए पूछेंगे, लेकिन बुरा काम करने के लिए पूछा? जवाब दीजिए। जो बुरे काम हम करना चाहते थे क्या हमने घर वालों से पूछ के किए? नहीं, वो कर डाले। और अच्छे काम के लिए पूछेंगे, इसका मतलब करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें मना करना है, हम कह देंगे घर वालों ने मना कर दिया साहब। आत्म कल्याण तुझे अपना करना है, घर वालों का नहीं। जब भी आत्म कल्याण करने की तेरी बारी आए ना, तो अच्छे काम के लिए कभी भी घर वालों से मत पूछना, अच्छे काम को कर डालना, और बुरा करने जाए तो जरूर पूछना, क्योंकि नरक में जाने से शायद तेरे घर वाले भी मना करें। क्या बोलना पड़ेगा? अभी तो धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध में पांडवों की विजय, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्र जो सो रहे थे उनको सोते हुए पांडव पुत्रों को मार दिया, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को। अर्जुनों से पकड़ के भी लाए, चलो मैं इसको समाप्त करूंगा, मैं कर दूंगा अश्वत्थामा को, लेकिन द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम मे सा, छोड़ दो छोड़ दो, ब्राह्मणम नेत्राम गुरु, ब्राह्मण गुरु है जगत का, इसको ब्राह्मण को नहीं मारना है, छोड़ दो, छुड़वा दिया। पांडवों को तिलक हुआ, धर्मराज को राजा बनाया गया, और राज्य देने के बाद श्री कृष्ण कुंती भुआ के पास में गए, और कुंती भुआ के पास में जाकर कुंती से कहा बुआ तुम कुछ वरदान मांग लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। कुंती बोली हे कृष्ण अगर मुझे देना चाहते हो ना तो दुख दे दो। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, दुनिया में सुख मांगने वालों की कमी नहीं है, लेकिन क्या दुनिया में कोई दुख मांगने वाला है? आज एक बात पूछता हूं, आप सब भगवान से सुख मांगते हो, कोई माता रानी पे जाके जय माता दी कह के सुख मांगता है, कोई बांके बिहारी के यहां जाके बांके बिहारी की जय बोल के सुख मांगना चाहता है, कोई केदारनाथ बद्रीनाथ अमरनाथ अमरकंटक पता नहीं कहां कहां, लेकिन आप सच्चे मन से बताना आज तक सुखी हुए? आप हुए? अब सुखी हो? जिंदगी गुजर गई सुख मांगते मांगते, लेकिन आज तक सुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि मूर्खता हमने करी है।
मृत्यु लोक में आए हैं तो सुख मिलेगा ही नहीं। इसका नाम है दुखालय। क्या नाम है? जोर से बोलिए, दुखालय। मदरालय में क्या मिलता है? जोर से बोलिए, मदरालय में क्या मिलती है? विद्यालय में क्या मिलता है? मिष्ठालय में क्या मिलता है? वस्त्रालय में क्या मिलता है? सचिवालय में क्या मिलता है? दुखालय में क्या मिलेगा? फिर क्यों मांग रहे हो सुख भिखारियों की तरह? मदरालय में जाकर कोई कह दे भाई साहब मक्खन दे दो, मदरालय में जाके कहे भाई साहब कोई मक्खन दे दो, वस्त्रालय में जाकर कह दे कोई रसगुल्ला दे दो, विद्यालय में जाकर कोई कह दे भाई साहब एक बोतल दे दो, मूर्ख कौन है? मांगने वाला, मांगने वाला है। उसे यह भी होश नहीं है कि मदरालय में मदरा मिलती है, वस्त्रालय में वस्त्र मिलते हैं, और भोजनालय में भोजन मिलता है, विद्यालय में विद्या मिलती है, और रॉन्ग ऑप्शन रख रहे हैं वहां पर जाकर। जैसे मदरालय में मदरा, विद्यालय में विद्यालय, वस्त्रालय में वस्त्र, वैसे ही दुखालय में दुख मिलते मेरे भाई। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, यहां सुखी राम के दास। अगर सुखी होना है तो मेरे कृष्ण के चरण पकड़ ले, तू सुखी हो जाएगा, वरना जीवन पर्यंत दुखी रहेगा। अब आप सुख की उम्मीद रखते हैं, बोले पैसे वाले सुखी होते हैं। भाई माफ करना, मैं ये पता नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई पैसे वाला बैठा है यहां जिसने भगवान को 10-15-20 लाख रुपए दिए हो? वो पैसे वाला कोई है ऐसा जिसे 10-15 लाख दिए? कोई नहीं है, कोई नहीं है। जलंधर गरीबों की सिटी है। अरे दिए तो हाथ उठा देना, शर्माना किस बात का? भगवान ने तुझे 10-15 लाख रुपए दिए कि नहीं? अरे बड़े गरीबों की शहर है भाई, मुझे पता है दिए हैं लेकिन बताना नहीं है। 90% लोगों पे 10-15 लाख रुपए तो भगवान ने दिए होंगे, रहने को घर है, खाने के लिए सब कुछ है, ये वो सब है, फिर भी हाथ क्यों नहीं उठाया? वो आपकी कोई मजबूरी रही होगी, इनकम टैक्स वाले भी हो सकता है पॉसिबल है यहां आए हो, है ना? ठीक है मेनू की, पर अगर इतना पैसा है तो क्या सुख मिला? गाड़ी है, मकान है, थोड़ा सा बैंक बैलेंस भी है, काम भी है, फिर भी सुखी हुए? औलाद भी सुखी हुए? और गरीब लोग तो कहते पैसे वाला सुखी है, और पैसे वाला कहता है मिनिस्टर एमएलए सुखी है, एमएलए, और एमएलए कहता है मिनिस्टर सुखी है, मिनिस्टर कहता है चीफ मिनिस्टर सुखी है, चीफ मिनिस्टर कहता है केंद्रीय मिनिस्टर सुखी है, केंद्रीय मिनिस्टर कहता है पीएम। और आज जो पीएम की दशा है, पूछो कोई जाके पीएम से सुखी है? अपोजिट पार्टियां गिराने में लगी हुई हैं, सहयोगी पार्टियां खींचने में लगी हुई हैं, और फिर भी जिंदाबाद मनमोहन सिंह जी जमे बैठे, हिलना नहीं है। दशा कुछ भी हो जाए हिलना नहीं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब कोई पीएम से पूछा आर यू हैप्पी, वो कहेंगे महाराज जैसे महाभारत में पितामह भीष्म को सर की सैया पर लिटा के रखा था, वैसे ही मुझे भी कठिनाइयों की सैया पर लिटा के रखा है, छोड़ सकता नहीं, और कैसे जाऊं कुछ कर सकता नहीं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। माफ करना मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं तो सिर्फ हिंदुस्तान का हूं, भारत का हूं, और भारत का दर्द अपनी जुबान से कम शब्दों में बयां कर रहा हूं। जिस गरीब के घर में रोटी खाने को ना हो, वो गरीब 75 रुपए किलो पेट्रोल नहीं लेगा, 75 रुपए 75 रुपीज पर लीटर कोई देगा? धीरे धीरे सब चुप, कर मुझे क्या, मेरे पास तो डीजल की है, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जब डीजल की बढ़ती है तो दर्द मुझे भी होता है। कर बात ध्यान से सुने, ये दुखालय है, यहां दुख ही मिलेगा,
सुख की उम्मीद करने वाला पागल है। अगर यहां आए हो तो तैयार रहो दुख के लिए। सुख कहां है? बोले जब तक आप यहां बैठे हो दुखी हो। बोले यहां क्या हो आप? जोर से बोलिए। 3 घंटे बैठे तो सुखी हो गए, और जीवन के 2400 घंटे अगर कृष्ण में हो जाए तो बता तू कभी दुखी होगा? तेरे सारे दुख परमात्मा अपने आप हरण कर लेगा अपने आप। अच्छा एक बात है, तुझे यकीन नहीं है ना, एक साल मेरे कन्हैया की भक्ति करके देख, मन न माने तो फिर लौट जाइयो इसी नरक में, मैं थोड़ी रोक लूंगा। 1 साल मेरे कहने से करके देख ले, तेरा जीवन बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, दुख शब्द का अर्थ क्या है ये भी भूल जाएगा। कुंती कहती है कृष्ण अगर मुझे दुख देना है तो दुख दे दे, सुख नहीं चाहिए, सुख में तो हम तुझे भूल जाते हैं, दुख में तेरी याद बनी रहती है। एक बहुत अच्छा भाव है, ध्यान से सुने, हमारी माता जी को थोड़ा प्रिय है ये भजन। कोई खड़ा नहीं होगा, सिर्फ बैठकर 2 पंक्ति गुनगुनाएंगे इसको, बहुत अच्छा भजन है। तुम सुख मांगो या दुख, दोनों ही भगवान के दिए हुए हैं, ध्यान से सुनना। मांगना हो सके तो भगवान से, प्रार्थना करना बैठे बैठे ताली बजाकर, याद करो इस बात को। सुख भी प्रभु प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दुख में सब रोते हैं,
वैसे बोलोगे अच्छा भी ये बात है, जोर से बोलना पड़ेगा प्यारे। सुख और दुख ये जीवन की दो, जीवन की गाड़ी के दो पहिए, एक भी पहिया नहीं रहा तो असली अस्तित्व तुम्हारा और हमारा समाप्त हो जाएगा। हां सुखी वो है जो भगवान का हो गया और दुखी वो है जो संसार का हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सुखी होना चाहते हैं या दुखी? जोर से बोलिए, सुखी होना चाहते हो और बने बैठे हो दुनिया के, कैसे हो गए? अगर तुम वाकई सुखी होना चाहते हो ना तो मेरे कन्हैया के बन जाओ। मेरा दावा है एक क्षण भी तुझे दुख दुखी नहीं कर पाएगा, तू ऑलवेज हैप्पी रहेगा, ऑलवेज हैप्पी रहेगा, तू हमेशा खुश रहेगा। क्या बोलना पड़ेगा? नहीं नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। जो बोलते हैं उसका पाप समाप्त हो जाता है, जो नहीं बोलता है इन सब का पाप उसी को लगता है। बोलो राधे राधे। डर लग गया ना, लगना भी चाहिए, पाप से डरो, पाप से डरोगे तो पाप नहीं होगा। कुंती को कहते कृष्ण चिंता मत कर भुआ, सुख क्यों नहीं पाना चाहती? बोले ये जो सुख है ना ये तुम्हारी याद भुला देगा। धनवान जब व्यक्ति होता है ना तो अधिकांश अभिमानी हो जाता है। जब इंसान धनवान होता है तो अभिमानी, क्रोधी, लोभी, लालची, लंपट और भी पता नहीं कितने गुण आ जाते बिना बताए। 5 स्टार होटलों में कौन जाता है? गरीब। बोलो बोलो, 500 रुपए की टी कौन पीता है? गरीब। जो चाय 5 रुपए में बन सकती है तेरे घर में
वो 500 रुपए। क्यों? बोले 5 स्टार में पिए, चूल्हे में दे दे, 5 स्टार है, का करेगा स्टार को। यही 5 रुपए की चाय तू पीकर अगर 495 रुपए गरीबों में तू खाना खिला देता तो मेरा ठाकुर प्रसन्न होता, कहता मैंने अच्छे बंदे को पैसा दिया है, मैंने नेक बंदे को धन दिया है, वो प्रसन्न हो जाता। 500 की टी पी ली, तेरा भगवान भलो करे, हिसाब तो देना पड़ेगा ऊपर जाके। और जितना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हमने किया है भगवान भी हमसे वसूलेंगे बाद में। चलो आ जाओ, हंसो मत, जवाब देना पड़ेगा। इसलिए लिमिट में, अपने लिए लिमिट का खर्चा करो, और ऐसे गरीबों में धनवान ऐसे धन हो तो ऐसे कार्य कराओ, भगवान भी खुश होगा। और एक बात, आने वाली पीढ़ी के घर में कभी धन की कमी भी नहीं होगी जब तू ऐसा प्रयोग करके जाएगा तो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कृष्ण कहते बुआ चिंता मत कर, तुझे धन का अभिमान नहीं सताएगा, मैं कहता हूं। इतना कहकर कृष्ण जाने लगे, और जब देखा तो सामने से उत्तरा चली आ रही है, अभिमन्यु की पत्नी, दौड़ी दौड़ी, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। पूछा क्या बात है, तो पता चला कि उसके गर्भ को अश्वत्थामा की जलाई हुई शक्ति मार देना चाहती है। लेकिन एक बात तो है, जिसे कन्हैया बचाए उसे कोई मार नहीं सकता। कन्हैया ने अंगुष्ठ के समान स्वरूप धारण किया और गर्भ में पहुंच गए, और गर्भ में पहुंचकर उस शिशु की रक्षा की। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जो भगवान स्वयं जन्म लेने के लिए, प्रकट होने के लिए माँ के गर्भ में नहीं जाते, वही अपने भक्तों की रक्षा के लिए गर्भ में चले गए। यहां से आगे मैं कलयुग की कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि हम और आप सब कलयुग के लोग हैं। अगर ये कथा हमारी समझ में आ जाए तो मैं यकीनन कह सकता हूं हमारे जिंदगी में आगे सुधरने के चांस और भी खुल जाएंगे, मेरा विश्वास है। इसलिए यह कलयुग की कथा पूरे ध्यान से सुननी चाहिए, पूरे ध्यान से। कुछ समय बाद श्री कृष्ण जब धराधाम को छोड़कर चले गए, पांडवों को जब इस बात का पता चला तो पांडवों ने राजा परीक्षित बना दिए, और परीक्षित को राज्य अभिषेक करने के बाद स्वयं भगवान के धाम के लिए चल दिए। हिमालय में जाकर द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, धर्मराज, ये 6 गए, 5 जल गल गए, और 5 गल गए उस हिमालय में जाकर। अकेले धर्मराज चले जा रहे थे आगे, तो सामने से देखो धर्म किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसको धर्म कहते हैं। अकेले चले जा रहे थे, उसी समय सामने से देवलोक से विमान आया और कहा आप इस विमान में बैठिए, हमारे साथ चलिए। विमान आया, धर्मराज के साथ में एक स्वान चल रहा था। स्वान मींस डॉग, वो चल रहा था। धर्मराज ने उस स्वान से कहा कि आप बैठो विमान में। देवदूत बोले ये विमान में नहीं बैठ सकता। क्यों? बोले ये विमान आपके लिए, स्वान के लिए नहीं। तो देवदूतों से धर्मराज ने कहा माफ करना, मैं भी तेरे विमान में नहीं बैठूंगा। क्यों, किस लिए? बोले देखो भैया, हम लोग घर से 5 भाई और एक हमारी पत्नी, 6 प्राणी आए थे, 5 लोग मेरा साथ छोड़ गए यहां तक आते आते। लेकिन सही में तो ये मेरा अपना सगा है जो यहां तक चल रहा है, मेरा साथ छोड़ा नहीं है, मेरा साथ निभा रहा है। और जो मेरा साथ निभाए, अंतिम समय पर मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूं? अगर मैं साथ छोड़ दूंगा तो यह अधर्म होगा, और मैं अधर्म नहीं करूंगा, मैं धर्म ही करूंगा। उस स्वान में से स्वयं धर्मदेव प्रकट हो गए, धर्मराज को दर्शन देने के लिए स्वयं धर्मदेव प्रकट हो गए। राजन, मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए स्वान बनकर आपके साथ चल रहा था, मैं देख रहा था क्या अंतिम घड़ी में भी आप धर्म छोड़ सकते हैं। याद रखिए मेरे भाई बहन,
पापी बनकर धर्मात्मा बने, फिर धर्मात्मा बनकर फिर पापी बने, हमारे कलयुग के लोगों की मनोदशा बन गई है। 7 दिन मदिरा पियेंगे, 6 दिन मदिरा पियेंगे, 6 दिन मांस खाएंगे, बोले ट्यूसडे वाले दिन नहीं खाता, उस दिन मेरा फास्ट रहता है। अब ये फास्ट तेरा काम आएगा? तेरी एक फास्टिंग ने कितने लोगों को जो है किस काम की है तेरी फास्टिंग? बोले सिर्फ ट्यूसडे वाले दिन। ऑन फास्टिंग पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, ये ठीक नहीं। एक दिशा में चल पड़ो। धर्मात्मा वही है जो हर स्थिति में धर्म करता है, अंतिम समय पर भी धर्म ना छोड़े, प्राण निकलने हो तो भी धर्म ना छोड़े। आइए महाराज बैठी विमान में, विमान में बैठ गए तो धर्मराज ने चर्चा की धर्मराज से, युधिष्ठिर से, तुम्हारा अंगूठा कैसे गल गया? ये अंगूठा गला हुआ था उनका हल्का सा ऊपर से। बोले महाराज मुझसे जाने अनजाने में कृष्ण ने झूठ बुलवा लिया, इतने झूठे के संग में रहा कि एक झूठ न चाहते हुए भी उसने बुलवा लिया। ये झूठ क्या था? जिस समय युद्ध चल रहा था, द्रोणाचार्य उस सेना के सेनापति थे, तो जब तक द्रोणाचार्य युद्ध से ना हटे तब तक युद्ध जीता नहीं जा सकता, और द्रोणाचार्य को हटाना आसान नहीं। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र से बहुत प्रेम था, अश्वत्थामा से। तो सबने कहा कि भाई कृष्ण बोले ये तभी हटेंगे जब इनको विश्वास दिला दो कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा कहीं गया हुआ था युद्ध करने दूर। पीछे से कह दो मर गया। चारों भाई बोले हम बोल देंगे इसमें क्या मर गया। बोले तुम्हारे से नहीं मानेंगे, वो धर्मराज कह दे तो माने, और धर्मराज क्योंकि झूठ नहीं बोलते। धर्मराज ने कह दिया चाहे मेरा हार हो चाहे मेरी जीत, मैं तो बोलूंगा नहीं क्योंकि ये सच नहीं है, अश्वत्थामा मरा नहीं है। अरे बोले अश्वत्थामा मर गया, एक हाथी का भी नाम अश्वत्थामा था और वो अश्वत्था नाम का हाथी मर गया। तुम कह देना अश्वत्थामा मर तो गया है, कि हाथी मरा है कि मानव मरा है ये मुझे नहीं पता। बोले ठीक है ये बोल दूंगा। सब लोगों ने जाके कहा अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया, मारा गया। चारों भाइयों ने कह दिया, बोले नहीं नहीं तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं, अगर धर्मराज कह दे तो मैं मान लूंगा। धर्मराज बोले अश्वत्थामा हता नरोवा या कुंजरा, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी मरा या मानव ये मुझे नहीं पता। लेकिन यह कन्हैया ने एक लीला की, बहुत प्यारी लीला की। जैसे ही कहा अश्वत्थामा हता, यहां तक तो ठीक था, और जैसे ही कहा नरोवा या कुंजरा, उन्होंने बड़ी जोर से शंख बजा दिया। इतनी जोर से शंख बजाया कि वो शब्द उसमें खो गए और आगे के शब्द वहां तक पहुंचे नहीं, इसलिए द्रोणाचार्य युद्ध से हट गए, मतलब उनको समाप्त कर दिया गया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। बोले वो झूठ मैंने बोला जिसकी वजह से मेरी उंगली गल गई, अंगूठा गल गया। तो ये तो धर्मराज की बात है। और महापांड यश्रद्धा भगवत प्रयाणम पांडव सुतानम मित संप्रयाणम श्रृणोत्तलम स्वस्तैनम पवित्रम लद्वा हरौ भक्ति मुपेत सिद्धिम। जो पांडवों के समाप्रयाण की कथा को सुनता है उन्हें भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए मैंने ये पांडवों के पलायन की कथा आपको सुनाई। अब कलयुग की कथा सुनो। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे, बहुत धर्मात्मा, बहुत बड़े धर्मात्मा। एक दिन की बात, परीक्षित कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा, एक बैल और एक गाय। तत्र गोमिथुनम राजा हन्य मानव नाथवत। एक काला सेवक जैसा भेष बनाकर, राजा जैसा भेष बनाकर, हाथ में शस्त्र लेकर गाय को और बैल को पीट रहा, दोनों जोर से ऐसे पीट रहा है जैसे उनका कोई मालिक नहीं, उनका कोई स्वामी नहीं है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, ये कथा हमारा जीवन परिवर्तन कर सकती है, जीवन बदल सकती है, क्योंकि हम कलयुग के लोग हैं और ये कलयुग की कथा है। राजा परीक्षित ने देखा, रथ रोका और दौड़कर उस गऊ के पास गए, और जैसे ही गऊ के पास गए तो वो व्यक्ति हट गया, वहां से हट गया, दूर हट गया वहां से। पूछा गाय से,
बैल से, आप कौन है और ये कौन है जो आपको मार रहा है? गाय बोली, मैं गाय के रूप में पृथ्वी हूं। बैल बोला, मैं बैल के रूप में धर्म हूं और हम दोनों को ये जो मार रहा है ना, ये कलयुग है। कल धर्म के चार चरण हैं, तप, दया, दान और शौच। कलयुग में तीनों चरण समाप्त हो गए। न कोई तपस्या करना चाहता है, न कोई पवित्रता रखता है, स्वच्छता नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया भी नहीं है। आज के इंसान के अंदर दया नहीं है, बोलो दया है? रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, व्यक्ति खून से लथपथ है, हम वो दृश्य देख रहे होते हैं, इसके बावजूद भी रुक कर उसकी मदद नहीं करना चाहते। न जाने कितना कठोर हृदय बन गया है हमारा। अरे भाई, लोहे को जलाया जा सकता है, गलाया जा सकता है, पत्थर को फोड़ा जा सकता है, लेकिन इस इंसान ने न जाने ऐसी कौन सी वस्तु का इजाद कर लिया है, न इसका हृदय जलता है, न गलता है, न टूटता है। करुणा से करुणा युक्त दृश्य को देखने के बाद भी ये दया नहीं आती इसके मन में। हो सकता है तेरी हेल्प से उसके प्राण बच जाएं, लेकिन इंसान कहता है, मैं अगर इसमें लगूंगा तो मेरे को पहुंचने में देर हो जाएगी। कोई दया नहीं, तपस्या नहीं, दान है। कलयुग कहता धर्मराज कहते, वो धर्म कह रहे महाराज, लोग धर्म भी करते हैं तो दिखावे के लिए, जिससे धर्म की रक्षा हो वो नहीं करते, धर्म के लिए नहीं। किसके लिए करते हैं? बोले पहली बात तो कोई धर्म करता ही नहीं, और थोड़ा बहुत अगर करे भी तो नाम के लिए करते हैं। एक कथा हम सुनाते थे, आपने सुनी होगी, वो पंखे वाली, सुनी नहीं? सुने कईयों ने, सुनी कईयों ने नहीं। सुना दूं? और सुना दूं? एक बहुत बड़े दानी थे, भारी भारी दानी थे, बहुत भारी दानी थे। उन्होंने एक धर्मशाला में पंखे दान किए। क्या किए? पंखे दान। और उन पंखे की पंखुड़ी पे लिखवाया, ये पंखा स्वर्गीय कमलावती की पुण्य स्मृति में कमल सिंह ने सप्रेम भेंट किया। किसने भेंट किसने किया? जोर से बोलो। कमल सिंह ने, किसकी याद में? कमला देवी की में। आप भी सोचते होंगे ये नाम बदल क्यों जाते हैं, हर कथा में नाम बदल जाते। बोले कुछ तो बदलो, नाम ही बदल दो और तो सब सेम रहेगा। तो कमल सिंह ने वो सप्रेम भेंट किया और कमल सिंह उस धर्मशाला में अपने गेंदा सिंह को साथ में लेकर गया। किसको लेके गया? गेंदा सिंह को। दोस्त था उसका, फ्रेंड था उसका, उस फ्रेंड को साथ में ले गया। अरे सुन, आजा चल, वो अनाथ अनाथ धर्मशाला में चलते, देख मैंने क्या किया, क्या किया, आजा चल चले। वहां चले, मार्च का महीना था। तूने पंखा देखा क्या? पंखा देखा ये? हाँ, क्या है? पंखड़ी देखी तीनों? हाँ, अच्छी हैं, ऐसे ही सोचा कुछ अच्छा कर लें, कर लिया अच्छा। माताजी की बड़ी इच्छा रहती थी एक पंखा दान कर जाऊं, मैंने पांच करे हैं। कितने करे हैं? और पांचों पे लटका दिए कमला देवी, पांचों पंखे पे ऊपर लटका दिए। चलाऊं क्या? स्विच ऑन कर दिया। अब वो गेंदा सिंह देख रहा है, कमला और कमल सिंह दोनों घूम रहे हैं ऊपर, घूम रहे हैं दोनों, न्यू न्यू कर करके घूम रहे हैं। पहले पे घूमे तो न्यू चल रहा था,
फिर दूसरे पे कर दिया तो नो नो घूमा और झट फुल कर दिया। और जैसे ही फुल किया गेंदा सिंह कह रहा भैया कमल सिंह, बोले हाँ, ए भाई अब तो ना तो तेरी मैया दिख रही ना तू दिख रो, फुल कर दिया अब ना तो तू दिख रहा ना तेरी माँ दिख रही भाई। उधर में वो कह रही है कमला ऊपर से, अरे ओ कमल सिंह ये तूने क्या कर दिया, मैंने महात्माओं के मुंह से सुना है 84 लाख योनि है, बुरे से बुरा कर्म करने वाले को 84 लाख योनि में राउंड लेना पड़ता है, लेकिन तूने मुझे इस छत पे लटका के एक ही सीजन में 84 लाख योनियों से ज्यादा चक्कर कटवा दिए। बाबरे तेने तो मैं मरी मराई भी मार दी, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। गेंदा सिंह कह रहा मरी मराई भी मार दी तेने, हमारे यहां दान की परंपरा है राइट हैंड से दो तो लेफ्ट हैंड को पता ना चले, ये दान है और देना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे रहना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म का नहीं वो किसी का नहीं। हे भारत के नौजवानों, चाहे हमारे बहन बेटियां हो चाहे हमारे भाई, आज हमारे धर्म का दारो मदार तुम्हारे कंधों पे आ गया है, इसलिए डिस्कोथेक में जाकर मूवी थिएटर में जाकर अपनी जवानी को बर्बाद मत करो। जवानी बर्बाद करने के लिए नहीं, जिंदगी आबाद करने के लिए होती है, और जिंदगी बर्बाद होती है थिएटर में क्लब में जाकर मदराला में जाकर, और जिंदगी आबाद होती है भगवान के कथा पंडाल में मंदिर में और तीर्थ में जाकर। मुझे मालूम है कुछ लोगों को ये बात मेरी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन दावे से कहता हूं 5 दिन लगाकर लगातार यहां आकर देख ले, अगर तेरी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। 5 दिन आ तो सही, मैं चैलेंज करता हूं तुझे, फिर पूछूंगा तेरे थिएटर का अनुभव और फिर बताना तू अपने इस कथा पंडाल का अनुभव। तू खुद कहेगा कि बदल गया जीवन, क्यों? क्योंकि तेरी जवानी फोल्ड हो गई है, अब भगवान की तरफ जा रही है, इसलिए लेके चल जवानी को भगवान के लिए और धर्म के लिए। धर्म कहता है महाराज मैं कलयुग में एक पाम पे खड़ा हूं, फिर भी कलयुग के लोग मुझे देख नहीं रहे। मां से पूछा आप क्यों दुखी हैं, बोले मैं भी कलयुग की वजह से दुखी हूं। लोग गर्भपात कराते हैं, लोग बाल हत्या करते हैं, बच्चे कितने बोलते हैं बोलो, 20 साल 25 साल पहले ये सब नहीं होता था, 30 साल पहले नहीं होता था, अब तो सिर्फ बच्चों को ही टारगेट किया जाता है, ये कलयुग की वजह से हो रहा है। राजा ने कहा ठीक है ये कलयुग की वजह से आप दुखी है ना, मैं इस कलयुग को ही मार दूंगा। राजा ने खड्ग निकाली और कलयुग को मारने के लिए दौड़े, और जैसे ही कलयुग को मारने के लिए दौड़े कलयुग ने कहा राजा धर्मात्मा है मुझे मार देगा। कलयुग ने कहा त्राहिमाम 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 रक्षमाम, मेरी रक्षा करो, क्षत्रियों की मर्यादा है शरण में आए हुए व्यक्ति का कभी वध नहीं करते। पूछा क्यों ना मारूं मैं तुम्हें, बोले महाराज मुझे मारना चाहते हो तो बिल्कुल मार दो, लेकिन मुझ में भी कुछ अच्छाई है, वो अच्छाई सुन लो। तुम में क्या अच्छाई है, अब ध्यान से सुनना कलयुग के लोगों, अब सुनो ध्यान से। सतयुगों में 60,000 वर्ष तक तपस्या करो, त्रेता युग में 10,000 वर्ष तक, और द्वापर युग में 1,000 वर्ष तक, तब जाके भगवान प्रसन्न होते हैं, दर्शन हो ना हो ये बाद की बात है। और कलयुग में, कलयुग में तपस्या करने की लोड़ ही नहीं, कलयुग में क्या करना है, कलयुग के बल नाम आधारा, ओ कलयुग के कलयुग के वल हरि गुण गा।
जो लोग खड़े हो रहे हैं उनसे निवेदन, आरती तक का वक्त लेकर आया करिए, आनंद पूरा आना चाहिए। और आपको मालूम है जब आप खड़े होते हो तो आई एम डिस्टर्ब, तो क्यों, अरे क्या कर लोगे घर जाके, वही स्याप्या उठे इतने रहोगे तो आनंद ही आनंद है। हरी बोल, कलयुग के बल हरि गुण गा, कलयुग के बल हरि गुण गा, गावत ही पावई भवथा, गावत ही पावई भवथा, कलयुग नहीं एक पुण्य प्रथा, कलयुग नहीं एक पुण्य प्रथा, नास्तैव गतिरन्यथा, कलयुग के एक बार बोलिए राधे राधे, राधे राधे। जितने हजार लोग यहां बैठे ना, उतने हजार नाम आपके बैंक में जमा हो गए एक साथ अभी, जबकि आपने तो सिर्फ एक नाम बोला है। कितना आपने कितना बोला है? एक। जमा कितने हुए? जितने हजार यहां लोग बैठे हैं उतने। ये कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग में सिर्फ नाम ही तेरा कल्याण करेगा। पुण्य प्रतापा नाम ऐव केवलम, तू भगवान का नाम जब तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन एक बात गजब की बात, गाली आसानी से निकल जाती है, नाम आसानी से नहीं निकलता। बताओ गाली आसानी से निकलती है कि नाम? की करदा पे मुए की मोया, एवं मोया गलना करदा रहंदे। मोया किन्नू कहंदे ने? मैंने किसी से पूछा मोया किन्नू कहंदे, मोर महाराज ऐसी हंसी मजाक में एवें ही कहंदे ने। मैंने कहा मोया एवें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई एवें ही। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। इतने नाम जितने लोग, ये कलयुग का प्रभाव है, इतने लोग नाम ले रहे हैं एक साथ आपका इतना नाम जमा हो गया, और फिर घर जाने की जल्दी इतने पे। अरे जितनी देर यहां बैठे हैं, तू घर में बैठकर अकेला भजन करेगा तो इतने नाम नहीं जमा पाएगा, या एक बार भी राधे राधे बोलेगा तो इतने नाम जमा हो जाएंगे। फायदे का लाभ है, लाभ का फायदा है, फायदे का लाभ। जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ है यहां बैठकर, जितनी बड़ी संख्या में नाम लिया जाए उतना ज्यादा अच्छा है। नाम संकीर्तनम यश्य, संकीर्तनम मतलब संग कीर्तनम, नामम संग कीर्तनम, अनेक लोगों के साथ कीर्तन करना चाहिए तब वो संकीर्तन होता है, और वो संकीर्तन तेरा बेड़ा पार करता है। क्या बोलना पड़ेगा बोलो? हो गए इतने नाम जमा, ये कलयुग में ही है और कहीं नहीं। राजा परीक्षित बोले जब इतनी अच्छी बात है तो मैं इसे मारूंगा नहीं। बोले ठीक है मैं तुझे मारूंगा नहीं, कुछ रहने के लिए जगह दे देता हूं, वहां जाके रहो। बोले बताइए महाराज, सुन लो अब, मुझे लगता है कि कलयुग की जगह कुछ खास है, रहने की जगह सुन ले।
जहां मदिरा पान होता है वहां कलयुग रहता है, जहां पर हिंसा होती है वहां कलयुग रहता है, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां कलयुग रहता है, और जहां पर वैश्यागमन होता है वहां कलयुग रहता है। ये चार जगह कलयुग रहता है। अब ये चारों जगह में से हमारे घर में तो नहीं है कोई जगह, हमारे घर में कोई मदिरा तो नहीं पीता, हमारे घर में कोई हिंसा अर्थात मांस तो नहीं खाता। मांस खाना भी हिंसा है, तुम्हारी वजह से हिंसा हो रही है, किसी की जान जा रही है तब तुम्हें ये मीट मिल रहा है, तो तुम्हारी वजह से हिंसा हुई, इसलिए उस हिंसा के भागीदार, पाप के भागीदार तुम हो। जुआ तो नहीं खेलता, ये जुआ ही था जो धर्मराज जैसे धर्मात्मा व्यक्ति से द्रौपदी दाप पर लगवा ली, इसी जुए ने। कलयुग ने कहा, महाराज ये चारों जगह आपने दी मुझे स्वीकार है, लेकिन एक जगह आप मुझे मेरी मर्जी से दे दें। बोले क्या? स्वर्ण में निवास दे दें। राजा बोले एव मस्तु, भूल गए कि उनके सर पे जो मुकुट है वो भी सोने का है। राजा कलयुग जो है सबसे पहले उन्हीं के सर पे जाके बैठ गए, और वापसी में जब आ रहे थे तो उन्हें प्यास लगी। प्यास जब लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में गए, और समीक ऋषि के आश्रम में जाकर समीक ऋषि ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे, उन्होंने उनसे कहा कि मुझे प्यास लग रही है, जल पिला दो। तो जल पीने के लिए जब कहा तो एक बार का, दो बार का, तीन बार कहा, वो तो समाधि में बैठे थे, उन्हें पता ही नहीं था कौन आया कौन गया। राजा को क्रोध आ गया, कलयुग है ना सर पे, इसलिए क्रोध आ गया। आज तक राजा संतों के चरणों में प्रणाम किए बिना बात नहीं करते थे, आज राजा को क्रोध आ रहा है संतों पे। जिन पे कलयुग सवार होता है वो संतों का अपराध करते हैं, पाप करते हैं, क्रोध आ गया। और राजा ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि ने श्राप दिया, इति लंगित मर्यादम तक्ष कहा सप्तमे हनि, जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है हम उसे श्राप देते हैं, आज से सातवें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को जब पता चला तो राजा ने उसी समय घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आकर अनेकों संतों से प्रश्न किया, जिसकी मृत्यु सातवें दिन हो उसे क्या करना चाहिए। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनेंगे, हम सब की मृत्यु सातवें दिन है, इन्हीं सात दिनों में हमारी मौत होनी है। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, जवाब दीजिए। ये छोटी सी जिंदगी मौत लेने को खड़ी, ये छोटी सी जिंदगी मौत लेने को खड़ी, पाप की खातिर ये करता है इंसान हड़बड़ी, पाप में आकर कितनी गड़बड़ी करता है, हड़बड़ी करता है। पापी इंसान जल्दी हड़बड़ी करेगा, गड़बड़ी भी करेगा, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है पापी इंसान। जो सामाजिक आध्यात्मिक धर्मात्मा लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी से कभी खिलवाड़ नहीं करते, वो समझ लेते हैं हीरा जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। कैसा है हमारा जीवन बोलो, तुम्हारे एक हाथ की कीमत क्या है बताओ, जवाब दीजिए। तेरा बॉयफ्रेंड, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी मां, तेरा पिता, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरा पति, तेरी पत्नी, कोई अपना हाथ दे सकता है तुझे? जवाब देते जाइए फटाफट फटाफट, जवाब समय नहीं है मेरे पास, वरना लोग खड़ा होना शुरू कर देते। बोलो कोई दे सकता है हाथ तुझे? आंख दे सकता है, पाम दे सकता है, कान दे सकता है? किसने दिया ये सब तुझे? दिया किसने? कीमत क्या है इसकी? कीमत कितनी है? और जिसने दिया उसे क्या दिया तुमने आज तक? बचपन दे दिया माँ बाप को खिलाने के लिए, जवानी दे दी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी इन सब को मनाने में, बुढ़ापा दे दिया बच्चों को गोद में खिलाने में, भगवान को क्या दिया?
ऊपर बैठा हुआ सोचता रहता है मैंने जिस इंसान को इतना अच्छा बनाया था वो बनाते बनाते इतना बुरा कैसे चला गया। मैंने तुझे बुद्धि दी पाप पुण्य की पहचान करने के लिए, मैंने तुझे पाम दिए अच्छी जगह जाने के लिए, मैंने तुझे आंखें दी अच्छा दृश्य देखने के लिए, लेकिन तू सबका गलत प्रयोग कर बैठा। मोबाइल बनाने वाले ने कभी ये नहीं सोचा था कि लोग गंदे एमएमएस भी बनाएंगे इससे, उसने तो अच्छा प्रयोग करने के लिए किया था, लोग बुरा प्रयोग कर रहे। मेरे भगवान ने तेरे को जीवन अच्छा करने के लिए दिया था, बुरा करने को नहीं, लेकिन लोग इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। आंखों से मूवी देखते हैं, 80 साल का भी टीवी ऑन करके बैठ जाता है जब बच्चे सो जाते हैं। बोलो कितने आदमी थे, एक ही था तू अकेले बुढ़े, और नहीं था वहां कोई, तू अकेला ही था। क्या सोच के आए दुनिया में, भगवान खुश होगा? बोले नहीं, ये सोच के आए थे यमराज क्रोधित होगा और भट्टी में जलाए भूजिंग भूजिंग करेंगे सब। मेरे को ये सच्चाई इसलिए बयां करनी पड़ती है कि कलयुग का जीव अपने सत्य को भूला बैठा है, अपनी आत्मा का परिचय खुद नहीं करना चाहता। बेटा बेटी गलत करें तो कहते नहीं बेटा गलत है, और खुद वही काम करें तो बेटा सही है, गलत बात है। चरित्र से उदाहरण दो सबको और समझ लो कि हम सब की जिंदगी 7 ही दिन में, कितने दिन में, जोर से बोलिए। अब सिर्फ इतना डिसाइड कर लो कि इन 7 दिनों में हमको मरना है कि इन 7 दिनों में हमको तरना है। बोलो क्या डिसाइड करते हो, जोर से बोलो। ऐसे नहीं, राधे। 2 दिन निकल गए, 5 दिन और, सिर्फ 5 दिन। अपनी जिंदगी के 5 दिनों में से 3, 3.5, 4 घंटे मुझे दे दो, बाकी का देखो इसका चमत्कार और देखो इसका अनुभव क्या होता है। ठीक है, हम सब की मृत्यु 7 ही दिन में है, लेकिन राजा को तो पता था कि 7 दिन में ही होगी, हमें तो यह भी नहीं पता कि 7 दिन हैं या नहीं है। मालूम है क्या? नहीं मालूम ना, इसलिए हर दिन को आखिरी दिन समझ के अपनी सारी इच्छाओं को उसी दिन में पूरी करके भगवान का भजन करते रहो, और मेरा दावा है कल्याण होगा। जैसे राजा परीक्षित को पता चला कि उनको 7वें दिन मृत्यु है, वैसे हमको भी मालूम है कि 7 ही दिन में मृत्यु है। अपनी मृत्यु को मरने नहीं देना, संवार देना है। ध्यान से सुनिए, की कर रहे हो तुसी, कमाल कर रहे हो। क्या कह रहा था? कुछ लोग मरते हैं मर ही जाते हैं जग में, कुछ लोग मरते हैं मर ही जाते हैं जग में, कुछ लोग मरते हैं मरते नहीं हैं जग में, कुछ लोग मरकर फिर वापस नहीं आते, कुछ लोग मरते नहीं हैं अमर हो जाते हैं जग में, अमर हो जाते हैं जग में, अमर हो जाते हैं जग में। मीरा अमर हो गई, नरसी भी अमर हो गया, प्रहलाद अमर हो गया प्रहलाद, ध्रुव भी अमर हो गया, पालो गोपियों का प्यार तुम भी अमर हो जाओगे, पालो पालो प्यार कृष्ण का तुम भी अमर हो जाओगे, जब जाओगे जहां से तो कृष्ण के करीब जाओगे। समारो मृत्यु समारो, समारो मृत्यु समारो, समारो मृत्यु समारो, समारो मृत्यु समारो, संभालो मृत्यु संभालो, संभालो मृत्यु संभालो, समारो मृत्यु संभालो, संभालो मृत्यु संभालो, संभारो जीवन संभारो, संभालो जीवन संभालो, संवारो जीवन संवारो, संवारो जीवन संवारो। आया है सो जाएगा, हरी बोल,
फकीर कोई सिंहासन चढ़ चलो कोई बांधे जात जंजीर सवालो 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 सभी फिर मिलेंगे कल इसी वक्त में और अपनी मृत्यु को संभालने का कार्य करेंगे। बैठे रहे दो मिनट अभी प्लीज। मैंने आपके लिए मैं ये भजन बहुत लंबा गाता लेकिन जो लोग खड़े हो रहे हैं ना उनके चक्कर में मैंने ये भजन अधूरा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का धैर्य बड़ी जल्दी टूट जाता है, उन्हें घर जाने की बड़ी जल्दी होती है। मैं फिर कह दूं कम से कम 7:30 और 8 बजे तक का समय मेरे कन्हैया के लिए लेकर आया करिए, फिर देखिए आनंद कितना आता है। अरे दुनिया में तो रहना ही है, ये जिंदगी के 5 दिन निकल जाएंगे तो कहां रहोगे? मेरे साथ थोड़ी चलोगे वृंदावन, इत्थे ही रहोगे जलंधर। तो आड़ी सिटी हैगी है, साड़ी थोड़ी है। और फिर तुसी तो एवं बढ़ जाते ना थोड़े घर च, असी तो कदों जाएंगे? कब साडा की बोले तुसी तो महाराज बाबा जी हो है? अरे कुछ करने से पहले सोच लो, हम तो सिर्फ हफ्ते के बाद ही पहुंचेंगे घर में, आप तो कम से कम 1 घंटा लेट पहुंच तो जाओगे, हम कब पहुंचेंगे? फिर भी जीव कितना फास्ट है, महाराज जल्दी कर दो। कर दूं जल्दी? बोलो कर दूं? लो आरती शुरू करवा देते होना ही लो। हाँ जी महाराज तुसी कर दो जल्दी और मैं भी करना जल्दी। 5 मिनट बैठे रहेंगे और फिर होने ही जल्दी करने। महाराज जी जालंधर जी के भक्त हैं ये पूरे भजन सुन के ही जाएंगे। अभी आरती से पहले एक भजन भी होगा, पूरा भजन अच्छा। सुन के ही जाएंगे, ये इतने जल्दी नहीं जाएंगे। अच्छा जय हो जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कोई भी धर्म का कार्य होता है उसमें सूचना जो होती है वो काफी मुख्य होती है, उनको हमको ध्यान से सुनना चाहिए। और जो भी मैं सूचना दे रहा हूं आपके संबंधित बातें हैं उनको जरा ध्यान से सुने। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और विश्व शांति समिति जालंधर के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आपके जालंधर शहर में हो रहा है। और विश्व शांति समिति जालंधर को एक बार आप सभी जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद धन्यवाद देंगे कि ऐसे ही कार्यक्रम आप हर साल कराते रहें और ऐसे ही धर्म के कार्यों में सहयोग करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री की तरफ से आपको, जो कि कल महाराज श्री ने कहा था कि आपकी संख्या हमको कम दिखाई दे रही है लेकिन आज थोड़ी बड़ी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों के लिए। अपने लिए खुद ताली बजाएं। अब थोड़ी आवश्यक सूचना है। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि महाराज श्री के सानिध्य में चल रहा है, जिसके के महाराज श्री खुद अध्यक्ष हैं, आप सभी भक्तों को मालूम होगा आस्था चैनल के माध्यम से विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट एक सुंदर शांति सेवा धाम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप सभी भक्तों ने उसको देखा भी है, उसकी वीडियो भी देखी है, जिसका के 29 जून को उद्घाटन भी है। आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं और उन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी, आप वहां पर आ सकते हैं। और उसी में 26 जून से लेकर 3 जुलाई तक का जो कार्यक्रम है उसमें बड़े बड़े संत भी उसमें आ रहे हैं। तो उसमें 108 भागवत कथा का हमने कार्यक्रम रखा है, तो उसमें 108 यजमान बन रहे हैं लेकिन 108 की संख्या वो भी वृंदावन में कम पड़ती है, तो वहाँ पर 235 के आसपास यजमान बन चुके हैं, जिनको भी उसमें शांति सेवा धाम में जो 108 भागवत कथा हो रही है उसमें यजमान बनना है, जिसकी मात्र 11,000 रुपये जिसकी सेवा है। उसमें आपको खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, रहने की व्यवस्था रहेगी और ब्राह्मण की जो भी सेवा रहेगी मय हो जाए। यहाँ पर राधे राधे पंडाल में केवल राधे ही राधे की आवाज रहे, ये सब विशेष सूचनाओं के साथ चलते हैं महाराज श्री के सानिध्य में। एक सुंदर ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਭਜਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਭੀ ਭਜਨ ਗਾਏਂਗੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਔਰ ਮਸਤੀ ਸੇ ਸਭ ਲੋਕ ਝੂਮੇਂਗੇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੋ ਨਾਚਨਾ ਹੈ ਵੋ ਨਾਚੇ ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਲਾਈਨ ਮੇ ਲੱਗ ਗਏ ਵੋ ਲਾਈਨ ਮੇ ਲਗੇ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਵੋ ਆਨੰਦ ਲੇ। ਸਭੀ ਲੋਕ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕਰ
मेरे दिल की। मेरे दिल की पतंग कट गई, मेरे दिल की पतंग कट गई के मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई के मुरली वाला लुट ले गया। ओ के मुरली वाला लुट ले गया, के मुरली वाला लुट ले गया, के मुरली वाला लुट ले गया, के मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की, ओ मेरे दिल की, मेरे दिल की पतंग कट गई के मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई के मुरली वाला लुट ले गया। जो लोग बैठे वो ताली बजाते रहे जोर से। कन्हैया से पेच लड़ाया था, सारे कन्हैया से पेच लड़ाया था, पेच लड़ाके में तो बड़ा पछताया 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 था। ओ मेरी डोर जाने 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 डोर जाने 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 डोर जाने जाने मेरी डोर जाने कैसे फंस गई मुरली वाला लुट ले गया। मेरी डोर जाने कैसे फंस गई के मुरली वाला लुट ले गया। ओ के मुरली वाला लुट ले गया, के मुरली वाला लुट ले गया। पतंग उसने प्रेम की डोरी से, काट दी पतंग उसने प्रेम की डोरी से, डोर में फसाई डोर काना ने चोरी से, डोर में फसाई डोर काना ने चोरी से, काट दी पतंग मेरी प्रेम की डोरी से, डोर में फसाई डोर काना ने चोरी से, डोर में फसाई डोर काना ने चोरी से। इस छलिया की दाल गल गई के मुरली वाला लुट ले गया। इस छलिया की दाल गल गई के मुरली वाला लुट ले गया, 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 के मुरली वाला लुट ले गया। चरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शांतिदूत
श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा, जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रिया कांत जी मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम, छठी करा, वृंदावन रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331, 0735111441। वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vsscity.com। ईमेल info@shantisevadham.com info@vsscity.com। दिल्ली कार्यालय C5/90 फर्स्ट फ्लोर सेक्टर 6 रोहिणी नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0112705200। मोबाइल 0921221043। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराष्ट्र के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।